स्पॉन्सर्ड बाय ताइबा कलेक्शन, ताइबा ग्लोबल वॉलपेपर, ग्लोबल वॉलपेपर एंड को स्पॉन्सर्ड बाय फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर वर्ल्ड। आइए सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। जलपाईगुड़ी के करीब कल बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, जहां कई बोगियां पटरी से उतर गई। कुछ लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि राधानगर रोड के रहने वाले अजीत प्रसाद कल हुए बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन में थे। अजीत प्रसाद के दोस्त ने कहा कि वो रंगा जिले में ड्यूटी करते थे और हाल ही में उनकी शादी हुई थी। खबर मिलते ही अजीत प्रसाद के भाई कल रात ही वहां के लिए निकल गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि पूरी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। तो हम लोग फ्रेंड है और वो ड्यूटी वहीं करते हैं रंगे डिवीजन में और ट्रैकमैन है। तो अभी तो हम लोग जैसा खबर मिला कि वो एक्सीडेंट में वो भी मैंने उस गाड़ी में थे, तो अभी तो फिलहाल छुट्टी उट्टी विषय में नहीं आया था, लेकिन वहाँ ड्यूटी में के मैंने ड्यूटी वहाँ किए हैं और उसके बाद अभी हम लोग अभी पूरा नॉलेज नहीं आया है। खबर हम लोग अभी पूरा नहीं है। उनके परिवार को अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है? फैमिली में अभी किसी को जानकारी अभी नहीं मिला है। हम लोग को भी बस मैंने बताया भी नहीं गया। हम लोग का बस ऐसे ही मैंने हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल में पता किए हैं और उसके भाई अभी गए हैं वहाँ पर। इन लोग के परिवार में कितने भाई हैं? तीन भाई हैं। सबसे बड़ा सुजीत प्रसाद, वो YTBP में है, और उसके बाद ये थे अजीत प्रसाद, वो रेलवे में ट्रैकमैन थे। शादीशुदा हैं। अभी हाल में ही शादी हुई थी, लगभग हमको लग रहा है एक साल भी नहीं हुआ। उनकी पत्नी भी जानती है ये खबर? उनकी पत्नी को अभी नहीं बताया गया है। आप लोग इलाके का माहौल अभी क्या है ये सुनने के बाद? माहौल तो सब में अभी सदमा में, पूरा इलाका सदमा में है कि अभी इतना यंग लड़का, अभी हाल में शादी हुआ, पूरा बस्ती मतलब पूरा हम लोग समाज ही शौक में है। परिवार हम लोग से गए हैं अभी वहाँ? हाँ, उसके भाई गए हैं, दोनों भाई हालांकि चले गए हैं, छोटे वाला भाई और वो जो वो भी चले गए। आपका नाम बता दें? शंभू प्रसाद। आप उनके दोस्त? हाँ, फ्रेंड हैं। हम लोग तो जानते हैं कि वो रंगिया डिस्ट्रिक्ट डिवीजन में काम करता है और वहीं पर वो ड्यूटी करता है। अब इस बीच में कहाँ और कैसे गाड़ी से आना जाना किया वही जानता है। हम लोग का खाली खबर इतने मिला है कि एक्सीडेंट किया, जो गाड़ी उसमें था। अभी तक कुछ सूचना और पाए हैं कि क्या अवस्था में है लड़का, क्या हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी आप लोग के परिवार से कोई गए हैं? छोटा भतीजा बड़ा भतीजा दोनों गया है। ऑन द वे अभी रास्ता पे नहीं है, वहाँ तक पहुँचा नहीं है क्लियर। अभी कब निकली है? रात को ही निकल गया लोग। उनसे भी बातचीत हुई है अभी तक? कुछ नहीं, वो खाली बोरा जब तक ले पहुँचेंगे नहीं कोई खबर नहीं दे सकते। रेल प्रशासन से या यहाँ के लोकल थाना से कोई खबर मिली? नहीं, अभी तक कुछ नहीं। आप लोग को फिर किसकी तरफ से जानकारी मिली? बस उसका हल्का फल्का जो दोस्त फोस्त लोग हैं उनसे आया कि हाँ वो शायद उसी ट्रेन में था। फोन भी कल से बंद है उसका, स्विच ऑफ हो गया है। पहले रिंग हो रहा था फिर बंद हो गया। जब हम लोग एक्चुअल फोन बंद हुआ उसी से थोड़ा संदेह पैदा हुआ। एक चीज़ और जानना है कि लड़का का कितने दिन पहले शादी हुई है और कितने परिवार में भाई बहन लोग हैं? उसका ना इधर का इनका तीन भाई एक बहन है। वो उसका शादी हुए अप्रैल में 2021 में हुआ, 26 अप्रैल को। इलाके में क्या माहौल हो गया ये घटना सुनने के बाद? अभी तो देखिए जो माहौल है कि आप लोग खुद देख ही रहे हैं कि एकदम सब आप माता में मना हुआ है। सब उसका दोस्त उसका भाई जैसा जो भी सब अपना अपना में बसा हुआ है। आपका नाम? बब्बन प्रसाद, राधानगर रोड, तालपुकड़िया। अब चाचा हैं जी। आज आसनसोल नगर निगम अंतर्गत वार्ड नंबर 22 के TMC उम्मीदवार अनिमेश दास ने वार्ड में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान कहा कि लोगों का काफी समर्थन हमें मिल रहा है, मेरी धारणा के अनुसार हम लोग ही नंबर 1 पे रहेंगे। वार्डेर विभिन्न जगह प्रचार करेछि एवं मानुष स्वतःस्फूर्त भावे समर्थन करछे। আশা করছি যে আমরা আবার জিতব। এই ওয়ার্ডের লড়াই আপনাদের কোন পার্টির বিরুদ্ধে? এই ওয়ার্ডের গত নির্বাচনগুলোতে BJP ছিল মূল প্রতিদ্বন্দ্বী, এবারেও আমরা আশা করছি CPM, BJP, কংগ্রেস তিনটে দলই এই ওয়ার্ডে দাঁড়িয়েছে এবং বিরোধী যারা আছে
তাদের মানুষ কতটা সমর্থন করবে সেটা মানুষই বলবে, কিন্তু আমার যা ধারণা তাতে আমরাই এক নম্বরে থাকব। কত নম্বর ওয়ার্ড? 22 নম্বর ওয়ার্ড। আপনার নাম? অনিমেষ দাস। वार्ड नंबर 16 की बीजेपी प्रार्थी चंदना दास ने आज वार्ड में लोगों के घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि पूर्व पार्षद से लोगों को कोई भी लाभ नहीं मिला है, इसलिए इस बार लोग बीजेपी को चाहती है। समस्याओं का जिक्र करते हुए चंदना दास ने कहा कि यहां सभी का कच्चा घर है, नल और बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, जिससे महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर वो जीतती है तो सबसे पहले इन समस्याओं का निवारण करेगी। এক নম্বর দেবে আমাদের কি লোকের কি সারা পাচ্ছেন? লোকের সারা খুবই ভালো পাওয়া যাচ্ছে। সবাই বিগত কাউন্সিলর যারা আগে ছিল তাদের থেকে কোনো লাভ পায়নি, তার জন্য সবাই বিজেপিকে এবার চাইছে। তৃণমূল কিছু দেয়নি। কি কি অসুবিধা হচ্ছে লোকের? কি কি অসুবিধা আছে? অসুবিধা এখানে পুরো বাড়ি সবারই কাঁচা বাড়ি, তো কারো বাড়িই নেই, জল কল কিছু কল নেই, বাথরুম নেই, মহিলাদের খুবই অসুবিধা আছে, সেগুলোই দেখা। আপনার জিতার পর প্রথম কাজ কি থাকবে? প্রথম কাজ দেখবো কাঁচা বাড়িগুলো যাতে পুরো সবার হয়ে যায়, পাকা বাড়ি, তারপরে বাথরুম, জলের ব্যবস্থা, এগুলোই। আপনার পরিচয়? আমার পরিচয় চন্দনা দাস, আমি বিজেপি প্রার্থী 16 নম্বর ওয়ার্ড থেকে। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आने वाले 22 जनवरी को आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाब में वार्ड नंबर 63 से टीएमसी उम्मीदवार सलीम अख्तर को जोड़ा पुल में वोट देकर कामयाब बनाए। আসানসোল পৌর নিগম নির্বাচনে ওয়ার্ড নম্বর 97 এ তৃণমূল প্রার্থী অনুপ মাঝিকে জোড়া ফুলে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করুন। आने वाले 22 जनवरी को आसनसोल नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 47 टीएमसी उम्मीदवार राजेश तिवारी को जोड़ा फूल में वोट देकर कामयाब बनाए। आने वाले 22 जनवरी को आसनसोल नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 23 टीएमसी उम्मीदवार सीके रेशमा को जोड़ा फूल में वोट देकर कामयाब बनाए। आसनसोल नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 71 से आजाद उम्मीदवार नाजनी बेगम को उगते सूरज निशान में बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा वोटों से कामयाब बनाए। अब आसनसोल में आ गया है अनंता रेसिडेंसी विद वेरियस फैसिलिटीज। अनंता रेसिडेंसी नेम यू कैन ट्रस्ट, क्योंकि यह है आसनसोल का एकमात्र इको फ्रेंडली एंड टेक्नो फ्रेंडली रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। बूम बैरियर, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, सीसीटीवी कैमरा, हरिहर बाबा मंदिर, 25 गार्डन्स, स्वयं हेल्थ मॉनिटरिंग मशीन विद एक्सपर्ट डॉक्टर कंसल्टेंट एंड मेडिटेशन सेंटर के अलावा अन्य विशेषताओं के साथ माई गेट सिक्योरिटी सर्विस ऐप की सुविधा यहां उपलब्ध है। मात्र 19 लाख रुपए में मिलेंगे 2 BHK विद प्लॉट और 25 लाख रुपए में मिलेंगे 3 BHK विद प्लॉट ओनरशिप के साथ। नई शुरुआत, नई उमंग, अनंता रेसिडेंसी के संग। बाईपास, घागरबुड़ी मंदिर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज, आसनसोल न्यू बस स्टैंड और तैयार हो रहे होलसेल मार्केट के करीब मौजूद है अनंता रेसिडेंसी। तो देर न करें, आज ही बुकिंग करें। हमारा पता है नियर माँ घागरबुड़ी मंदिर, बागबंदी रोड, बाईपास, आसनसोल। कॉन्टेक्ट नंबर 9933121270 एंड 7076368674। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, लगता है बहुत महंगा है।
अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में, साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसनसोल। आने वाले आसनसोल नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 29 के कांग्रेस के उम्मीदवार शहाबुद्दीन राजू को हाथ छाप में वोट देकर कामयाब बनाए। लेडीज वेयर की एक्सक्लूसिव शोरूम ताइबा, अ हाउस ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर, महिलाओं की पसंदीदा शोरूम ताइबा, नए डिजाइन के कलेक्शन, लेटेस्ट स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस, वो भी बाजार से कम कीमतों पर, एन एक्सक्लूसिव कलेक्शन ऑफ सूट पीस, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, गरारा और भी बहुत कुछ, एक रेडीमेड ड्रेसों का समाहार, सब एक से बढ़कर एक डिजाइन में, तो फिर हर त्योहार में छा जाए ताइबा के कलेक्शन सपनाए। ताइबा, अ हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। हमारा पता है सौष्टी नगर, स्माइल होम्योपैथिक कॉलेज रोड, नियर सिल्वर गार्डन मैरिज हॉल, आसनसोल। मोबाइल नंबर 7908651117। अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कॉर्पेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहाँ होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर ना करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासर कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, थर्ड फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। To achieve a goal, you need a good teamwork. For a good teamwork, you need a good companion, a good ambience. You gather more knowledge. To acquire the knowledge, you have to work with it. To work with it, you need good support. With a good support, you need to move forward. To move forward and light the glory of fire. With the glory of fire, make your dreams come true. To make your dreams true, here we are. Asansol North Point School, nursery to class 12, science, arts and commerce, affiliated to CBSE New Delhi. Affiliation number 2430153. To get admission, contact our campus office. Asansol North Point School, Arise to Chaga, Chamuria, Asansol 713309, East Bed 1, our text helpline 9932621836, 8653839325 and 9564310088. मौजूद थी। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि आसनसोल में बाढ़ आते उन्होंने नहीं देखा, किंतु पिछले 5 सालों में वर्षा काल में थोड़ी सी बारिश होने पर आसनसोल शहर में तुरंत बाढ़ आ जाती है। घर के भीतर पानी घुसने से लोगों के सामानों को काफी नुकसान हो रहा है। आसनसोल बोन्ना होते देखलाम ना, किंतु लास्ट 5 बछर आमरा की देखते पाच्छी, आसनसोल शहरे বর্ষাকালে দুপাশটা যদি বৃষ্টি পড়ে সঙ্গে সঙ্গে বন্যা হচ্ছে। বাড়ির ভেতরে জল ঢুকে আজকে বয়স্ক মানুষ, স্টুডেন্ট, তাদের খাতা বই সমস্ত তছনছ, আজকে বালিশ, বিছানা, দরকারি কাগজপত্র আর
फैमिली अनेकगुलो परिवार। आज की खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूले। धन्यवाद। आसनसोल नगर निगम के तत्वधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाए। हमारी प्रतिज्ञा हमारा घर। एक बात सभी याद रखे, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।